ऐसे तो बोल रहा हूँ मैं, किसी के नेता को टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ बात यही कहूंगा कि व्यापार पूरी तरह से खत्म है, कहता है व्यापारी मध्यम वर्ग तो पूरी तरह से पिटा है, पिटा है, पूरी तरह से पिटा है, कोई नहीं कह सकता इस चीज के लिए कि ये नहीं हुआ। स्वास्थ्य शिक्षा सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। सर इसमें 400 रुपए तो वैसे लग जाता है किराया, फिर रूम रेंट है, घर परिवार है, बच्चे बच्चे की पढ़ाई पढ़ रहे बच्चे, मैं गरीबी मिटा दूंगा, लेकिन हम 10 साल से देख रहे हैं सर, हम लोग वैसे का वैसे ही हैं, दिन पर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ी जा रही है। आ चुके चावड़ी बाजार, कौन जीत रहा है इस बार जनता की राय जानने के लिए 24 को चुनाव को लेकर, आखिर 2024 में किसके सर सिर का ताज, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री फिर से दावा ठोक चुके हैं तीसरे टर्म की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। वहीं राहुल गांधी अपने स्तर पर जमीनी हकीकत को तलाशने निकल जाते हैं, कभी किसी मार्केट तो कभी किसी मार्केट भारत जोड़ो यात्रा कर लेते हैं, यानी कि देखा जाए तो ये मैच जो है इस बार चुनावी मैच वो क्रिकेट की दिलचस्प हो गया है, लेकिन इस बार फील्डिंग किस ओर होगी, जनता किस ओर जो है अपना वोट करेगी, हम इस मुद्दे को तलाशने के लिए आए हैं और हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर वह क्या सोचते हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि जनता सर्वोपरि है, जनता का वोट सर्वोपरि है, जनता ही सरकार को चुनती है और जनता से ही हम जानते हैं कि आखिर वह क्या सोचते हैं कि मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि जनता ही त्रस्त होती है, सरकारें कुछ भी करते रहे लेकिन आम बात जनता की है, जनता क्या समझ। सर आपका नाम क्या है? सर चुनाव नजदीक है, आपके इस पर मुद्दे क्या क्या रहेंगे? इस पर मुद्दा रहेगा नौजवान काम मिले, नौजवान को सारे शांति रहे, किसी से दंगा ना हो, बस यही मुद्दा है हमारा। क्या काम नहीं मिल रहा है अभी? काम तो कम ही है, सारे नौजवान को काम मिले, बेकारी कम हो जाए, यही मुद्दा है। अच्छा अलायंस भी हो चुका है, गठबंधन बन चुका है, आपका वोट किसको रहेगा, कौन जीत रहा है इस बार? इस बार तो हमें मोदी लग रहा है जीते, मोदी जी फिर से मोदी है। लगता है कि आपके लिए जमीनी स्तर पर काम करेंगे? हाँ मोदी चाहिए हमें इंडिया के। तो यहाँ पर देखिए मोदी चाहिए हमें, ये जनता का कहना है, अभी और भी लोगों से तलाशेंगे, पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सर आपका नाम क्या है? जितेंद्र सावरन। सर जितेंद्र जी आप कैसे देखते हैं, चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप हो गए, आपके मुद्दे क्या? मैं किसी को आरोप नहीं देना चाहूंगा, न प्रत्यारोप देना चाहूंगा, सिर्फ एक ही बात पे कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य शिक्षा सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए, ना कि कोई और मुद्दे होने चाहिए। स्वास्थ्य की बहुत कमी है और ये अपने शिक्षा की बहुत कमी, बेरोजगारी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, उस वही मुद्दे हैं बस। हम ये तो रहे शिक्षा, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य, सब कुछ तो कर ये कुछ भी हो, अभी भी हमको बहुत कमी दिखती है। सर ये कमियाँ कैसे सुधार होगी? कमियाँ कैसे सुधारेंगे अब, यही है, हम लोग क्या कर सकते हैं उस बच्चे में। कौन जीत रहा है इस बार, आपको क्या लगता है? हम तो किसी के ऊपर नहीं, हमारे किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, किसी नेता के ऊपर, किसी के ऊपर आरोप नहीं, काम होना चाहिए किसी के ऊपर। और भी लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, सर भी मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन घोष है। सर आपके क्या मुद्दे होने वाले 24 के नजर में? 24 के मुद्दे के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन जो काम का काम व्यापारी के बारे में जो हम काम करते हैं, रोजगार का, रोजगार हमारा नहीं है, रोजगार मतलब नहीं है। हाँ रोजगार कम है, रोजगार तो है लेकिन लेवल नहीं है, जिस तरह का पहले काम करता था इस तरह की अर्थव्यवस्था बना देंगे, भारत को ऊपर पहुंचा देंगे। बढ़िया है वो तो, बढ़िया है, करे तो बहुत बढ़िया है, जो भी करे तो बहुत बढ़िया है, हम तो यही चाहते हैं। पूरी तरह से व्यापार खत्म है, आज इतना व्यापार खत्म है कि आज कि मतलब ये सोचते हैं कि व्यापार कैसे करें, मोहताज हो गए हैं व्यापार के लिए, सिर्फ टोटल ऑनलाइन पे आदमी भगता है। आज लोग कहते हैं कि बल्क, आज बल्क में दे रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा उस हिसाब से हमको? अगर कंपनी अगर उसमें सस्ते में दे रहे तो कस्टमर वाजिब है, कस्टमर दौड़ेगा, क्यों हम लोग दुकानदार कहाँ जाएंगे? 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन ये सब बातें होती रहती हैं, कहते हैं कि रोजगार बढ़ाया है, जनता त्रस्त नहीं है। सर ये कौन कहता है? व्यापारी मध्यम वर्ग तो पूरी तरह से पिटा है, पिटा है, पूरी तरह से पिटा है, कोई नहीं कह सकता इस चीज के लिए कि ये नहीं हुआ। मैं इसी तो बोल रहा हूँ, मैं किसी के नेता को टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ बात यही कहूंगा कि व्यापार पूरी तरह से खत्म है। सर आप भी कुछ कह रहे थे इनकी बात, व्यापार के बारे में, कोई भी पार्टी आए व्यापार अच्छा चलना चाहिए, सभी को काम मिलेगा। आप क्या काम करते हैं? हम ज्वेलरी का काम करते हैं। आपको कितना, आपको एक दिन में फायदा हो जाता है, कितना आप कमा लेते हैं? इतना कम नहीं है, कितना कमा नहीं पाता अभी, जितना रोजगार चलना मुश्किल हो गया। कुछ कह रहे थे सर? चलना मुश्किल है अभी, जो रोजी रोटी चलना ही मुश्किल हो गया, इतना हो गया, पहले बहुत खूबसूरत था, काम भी होता था, काम मार्केट में था, हम लोगों को मिलता था, रोजगार होता था, रोजी रोटी चल रहा था,
हंसी खुशी था, अभी भी है, अभी भी कर रहा है इसीलिए, लेकिन अभी भी बिल्कुल खुशी नहीं है, दुखी है, कर रहा तो बहुत कुछ, वो भी अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन हम लोगों को इतना मजा नहीं आ रहा जो हम लोग करते। दिल्ली तक दिख रहा है, ये सब दिल्ली तक दिख रहा है कि भीड़ भाड़ है बहुत, बाकी और जाइए देखिए वहाँ पे क्या हालत है। मैं तो दूसरे शहर, छोटे छोटे शहरों की बात करूंगा कि वहाँ पे जाके देखिए आप। सर आप कहीं गए होंगे तो बताइए। अरे मैं तो एमपी से हूँ। हाँ तो वहीं तो देख लीजिए, मतलब व्यापार मैं पूरी जगह बात कर रहा हूँ, मैं एमपी खाली बात कर रहा हूँ, चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं का भी हो, व्यापार पूरी तरह से चौपट है, सिर्फ ऑनलाइन के पीछे। अच्छा। ऑनलाइन बंद होनी चाहिए, सब व्यापार तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, हम लोग बहुत पीछे होते जाएंगे। व्यापार तो आसानी कर दी है जनता, कैसी तो आसानी कर दी, व्यापार को खत्म करते हुए, व्यापारी बिजनेस को खत्म करते हुए ऑनलाइन बहुत अच्छा हो गया, तो ये ऑनलाइन पूरी तरह से जाना चाहिए, जब तक ये ऑनलाइन नहीं जाएगा हम लोग और पीछे होते जाएंगे, और ये दिन दूर नहीं है। हाँ ये दिन दूर नहीं है कि हम और पीछे जाएं, ये दिन दूर नहीं है कि हम और पीछे जाएंगे। ऑनलाइन ने जो है यहाँ पर व्यापार खत्म कर दिए, बहुत बड़ा सवाल है, इस पर कहीं ना कहीं सोचने की भी जरूरत है। देखिए यहाँ पर ऑटो चालक भी है, दिन भर इनका निकल जाता है, रात का समय हो चुका है, इनसे एक टिप्पणी लेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम है सिंटू कुमार यादव। सर क्या क्या परेशानी आप देखते हैं? सर परेशानी तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, उन लोगों का काम धंधा सारा चौपट हो चुका है, सब ऑनलाइन काम होना शुरू हो गया है। सर जो पब्लिक आती थी, हम लोगों को सवारी ढोते थे, दो पैसे कमाते थे, उसमें रुकावट हो गई। फैमिली में कितने लोग हैं, कितना क्या कमा लेते दिन भर में? दिन भर में क्या कमाएं, 700-800 रुपए कमाते हैं सर। कितना खर्चा क्या चलेगा सर इसमें? 400 रुपए तो वैसे लग जाता है किराया, फिर रूम रेंट है, घर परिवार है, बच्चे की पढ़ाई, पढ़ रहे बच्चे। सर चुनाव नजदीक है, सरकार कह रही गरीबी मिटा दी, सरकार कह रही कि रोजगार बहुत दे रही है, सरकार ने बहुत कुछ कह दिया चुनाव के पहले, तमाम मुद्दे रख दिए, लेकिन आप जनता हैं, आप जमीन पर रहते हैं, आप बताइए कि क्या क्या जो है खामियां रही हैं, और सरकार को बताइए कि ये काम नहीं हुआ है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि सरकार जो है पहले भी बोले थे कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, लेकिन हम 10 साल से देख रहे हैं सर, हम लोग वैसे का वैसे ही हैं, दिन पर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ी जा रही है, हम लोग रोजगार नहीं, रोजगार घटी जा रही है, हम लोग कहाँ से चला पाएंगे सर? रोजगार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। सर मोदी जी कहते हैं कि रोजगार हम दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, आपको क्या लगता है चुनाव नजदीक है, कौन जीत रहा है इस बार? इस बार तो जनता के हाथ में बात है सर। सर आपका क्या रहेगा, आप किस आशीर्वाद दे रहे हैं इस बार? हम लोग तो अभी फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, हम लोग परेशान हैं, लोगों से पूछेंगे। यहाँ पर इन्होंने भी व्यापार को लेकर ही बात कही है, और व्यापार सबसे बड़ा मुद्दा होता भी है, और कहते भी, हमने एक मूवी भी देखी, आमदनी ठंडी खर्चा रुपया, जब ऐसी बातें होने लगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और ये जमीन पर आकर ही पता चलता है। और भी सर मौजूद है, सर से भी जानेंगे। सर आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद खुर्शीद नाम है मेरा। तमाम लोगों से हम पूछ रहे हैं सवाल 24 को लेकर, आपकी क्या रहेगी, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? मुद्दा तो बेरोजगारी का है सबसे ज्यादा जनाब, उससे मसला हल नहीं हो रहा, मोदी जी ने मसला हल नहीं करा, बेरोजगारी बढ़ी है काफी हद तक, काफी बढ़ गई इसको, बिल्कुल रोजगार खत्म कर दिया, बिल्कुल बुरा हाल है रोजगार का सिस्टम, बस आप ये समझ लो, पैसे वाला तो बन गया पैसे वाला, जो मेडिकल थे वो सब और नीचे आ गए। अच्छा। हाँ मेडिकल क्या जो थे जी रैलियों में, वो सब झूठ है, सब झूठ है, शुरू से झूठ ही बोला, मोदी सर ने करे क्या है, सिर्फ कह रहा है और अपने फायदे के लिए यूज करा, अपने छोटे लोगों का कोई फायदा नहीं दिया, छोटे लोग होते फायदा देते सारे मोदी के साथ होते, हमें मोदी से कोई ऐतराज नहीं है, रोजगार के पेट की मार है हमारे ऊपर सिर्फ, और कोई वजह नहीं है। 24 में बदलाव होगा, बदलाव होगा, गठबंधन हो गया, अभी बदलाव होगा जनाब। संजय जी को जो गिरफ्तार किया गया है तो उनके कोई दारू या उसके घोटालों के वजह से करा है, अब जो तो नेता तो तुम्हें पता ही है, नेता तो नेता ही जान सकता, आम पब्लिक नहीं समझ सकती, दिल्ली को शराब की नगरी बना दी, इसमें सच्चाई है सर, आप दिल्ली में रहते हैं आप समझते हैं, गलत काम करा था क्या, एक पब्लू के साथ एक पब्लू फ्री दिया गया, जो पीने वाला था एक पब्लू, दो पब्लू पी रहा है, उसका घर पूरा ही खराब हो गया, ये गलत है, मोदी जी सही कह रहे हैं इस चीज के लिए जो है। केजरीवाल भी हिस्सा है, उनकी क्या भागीदारी हो सकती है, क्या हिस्सेदारी? केजरीवाल की नहीं होगी। अच्छा। नहीं अब नहीं केजरीवाल।
तो अभी यहाँ पर आपने सुना और साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये मुद्दा बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आप दिल्ली को शराब की नगरी अगर बनाते हैं, एक जो है एक दारू की बोतल के संग में एक दारू की बोतल फ्री देते हैं, तो ये गलत है। और ये सर जमीनी स्तर पर आके ही पता चलता है कि जनता क्या सोचती है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि सरकारें तो बोलती हैं, रैलियों में बोलती हैं, और उनकी बातें झूठी हो जाती हैं, कहते हैं खोखले वादे किए जाते हैं।